उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। पीछे अभी हमने कल ही परसों जब चर्चा की थी तो हमने ये देखा था कि भगवान के ज्ञान के अधीन वस्तु का परिणमन नहीं होता, अतः ज्ञान के अधीन ज्ञेयों का परिणमन नहीं हो रहा है, अपितु ज्ञेय अनुसार ज्ञान जानता है। ये देखा था हमने युगल किशोर जी मुख्तार के माध्यम से। उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। जिस रूप में वस्तु स्वयं परिणमित हुई थी, हो रही है और होगी, भगवान ने तो उसको उस रूप में मात्र जाना है। ज्ञान तो पर को मात्र जानता है, परिणमाता नहीं। जिस प्रकार ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं, उसी प्रकार वस्तु के अधीन ज्ञान भी नहीं। ये दोनों का मेल हो गया, दोनों का स्वतंत्र परिणमन अपने अपने कारण से होता है। यहाँ कह रहे हैं कि पहले हमने ये समझा था कि ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं होती, है ना, मतलब जिस प्रकार से ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं होती, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है वैसे ही वस्तु को परिणमन करना पड़ेगा, ऐसे ज्ञान के अधीन वस्तु का परिणमन नहीं होता। और वस्तु के अधीन भी ज्ञान नहीं होता, अपन देखो ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होता, अर्थात जरूरी नहीं है कि सामने जैसा ज्ञेय उपस्थित हो हमें वैसा ही ज्ञान हो। क्लास में होने के बावजूद भी हमारे ज्ञान का विषय रूम में बैठे हुए विद्यार्थी बन सकते हैं, हमें घर की याद आ सकती है तो हमें घर का विषय ज्ञान में बन जाए। तो मतलब सामने जो ज्ञेय उपस्थित है उस ज्ञेय के अनुसार ज्ञान का परिणमन नहीं होता, है ना। उसी प्रकार से ज्ञान के अनुसार भी वस्तु का परिणमन नहीं होता, ये क्रमध्य पर्याय की बात है। इन दोनों को हमें समझना चाहिए, ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के अनुसार भी ज्ञेयों का परिणमन नहीं होता। यहाँ कौन सी वाली बात पे विशेष आकर्षित किया गया है कि ज्ञान के अनुसार ज्ञेयों का परिणमन नहीं होता, लेकिन बैलेंस दोनों ही तरफ से है। अब लेखक को ये समझ नहीं आ रहा है, देखो क्या समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ में यही नहीं आता कि ज्ञान के द्वारा जान लेने मात्र से वस्तु की स्वतंत्रता किस प्रकार खंडित हो जाती है। स्वतंत्रता ज्ञान से नहीं अपने अज्ञान से खंडित होती है। ज्ञान तो वस्तु के परिणमन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना मात्र उसको जानता है। दूसरा, यह कहना कितना हास्यास्पद होगा कि जो भगवान ने जाना है उसमें वे स्वयं भले ही कोई परिवर्तन ना कर सकें, पर मैं तो कर सकता हूं, यह भगवान से भी बड़ा हो गया। जो कार्य, ये पॉइंट इसका, मतलब ये तर्क दिया, आप ये अंडरलाइन कर लेना आप सभी लोग, जो कार्य अनंत वीर के धनी भगवान भी ना कर सकते हो, वह कार्य यह अल्प वीरवान होकर भी कर दिखाना चाहता है। ये इस बात पे बड़ी हंसी आ रही है कि भगवान नहीं कर सकते लेकिन हम तो कर सकते हैं, तो तू भगवान से भी बड़ा हो गया है, तू भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। भगवान अनंत वीर के धनी होते हैं। आप लोगों को पहले ही ये अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप में हम ये बालबोध पाठमालाओं में पढ़कर आए हैं कि भगवान के चार अनंत चतुष्टय होते हैं। अरहंत परमेष्ठी के 13वें गुणस्थान में चार अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो भगवान के अनंत वीर्य है, जो कार्य अनंत वीर्य के धनी होकर नहीं कर पाते। देखो वास्तव में देखा जाए, मैं आप लोगों से भी प्रश्न करूं, भगवान कर नहीं सकते कि करने का विकल्प नहीं आता, दोनों ही बातें हैं। देखो मैंने प्रश्न किया, भगवान अनंत वीर के धनी होते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, अपन ने जो कार्तिक की अनुप्रेक्षाएं की गाथा पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि जिनेंद्र भगवान नहीं कर सकते, तो भगवान कर नहीं सकते कि उन्हें करने का विकल्प नहीं आता। भगवान कर नहीं सकते कि करने का विकल्प नहीं आता, वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही कथन ठीक हैं और दोनों ही कथन सही हैं। ना तो वे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते साहब, क्योंकि उन्हीं ने ही हमें यह बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। तो भगवान भी तो एक द्रव्य हुए कि नहीं हुए, ये बात समझ में आई। भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमारे को यह समझाया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन का कर्ता नहीं है तो भगवान भी तो एक द्रव्य हुए,
तो वे दूसरे द्रव्य के मतलब जगत के परिणमन के कर्ता नहीं है। दूसरा, वे चूंकि वीतरागी हैं, वीतरागी होने के कारण उन्हें करने धरने के विकल्प भी नहीं आते हैं। तो दोनों ही बातें लागू होती हैं, ना भगवान इस विश्व का परिणमन कर सकते हैं और ना भगवान को विश्व के परिणमन का करने का विकल्प भी आता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि ये कितना हास्यास्पद होगा कि जो काम अनंत वीर्य के धनी नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, नहीं करने का विकल्प आता, वो ये अल्पवीर्यवान होकर कर दिखाना चाहता है। देखिए आगे, इस पर यदि कोई कहे कि भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, वीतरागी होने से उन्हें कुछ भी करने की आकांक्षा नहीं है, विकल्प ही नहीं आते जैसे अभी अपन ने बात की, और सर्वज्ञ होने से जो कुछ जैसा होना है वह सब वे जानते हैं, अतः उन्हें कुछ फेरफार करने का विकल्प नहीं उठता। पर हम तो रागी देशी हैं और अल्पज्ञ हैं, ना तो हम भविष्य को जानते हैं और हमें कुछ कर दिखाने की तमन्ना भी है, जो मैंने कल आपको कहा था कि इसी में ही लिखा गया है, अतः हमारी तुलना वीतरागी सर्वज्ञ भगवान से क्यों करते हो। आगे वही प्रश्न उससे कहते हैं कि यहां आचार्य देव ने भगवान पर के कर्ता नहीं है मात्र इतनी बात नहीं कही है, अपितु इंदो वा शब्द द्वारा इंद्र भी नहीं कर सकता अर्थात कोई भी नहीं कर सकता वाली बात भी कही है। आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने वो कार्तिक की अनुप्रेक्षाएं की वो गाथाएं समझाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ इंद्र और जिनेंद्र ये दो ही शब्द क्यों लिए गए हैं और कोई तीसरा व्यक्ति क्यों नहीं लिया गया, याद है आप लोग को क्यों कहा था? बराबर, बिल्कुल सही उत्तर है कि रागियों में सबसे बलवान कौन है? इंद्र। और वीतरागियों में? जिनेंद्र। तो यहाँ रागी भी नहीं कर सकते और वीतरागी भी नहीं कर सकते, ये दोनों बात आ गई थी कि नहीं आ गई थी? तो बताओ हम रागी की कैटेगरी में आते हैं कि वीतरागी की कैटेगरी में आते हैं? हम रागी की कैटेगरी में आते हैं। तो भगवान नहीं कर सकते मात्र इतनी बात नहीं कही थी कार्तिकेय स्वामी ने, उसमें ये भी कहा था कि रागियों में जो सबसे अधिक बलशाली है ऐसा इंद्र भी नहीं कर सकता। देखिए, जिनेंद्र नहीं कर सकते अर्थात सर्वज्ञ और वीतरागी नहीं कर सकते, और इंद्र नहीं कर सकते अर्थात रागी और अल्पज्ञ नहीं कर सकते। जिनेंद्र के सामने इंद्र शब्द का प्रयोग कर आचार्य सभी अल्पज्ञों और रागियों की बात करते हैं, क्योंकि रागियों और अल्पज्ञों में इंद्र ही सर्वशक्तिशाली है। उक्त शंका के समाधान के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, इस पर अज्ञानी जगत को भगवान को नहीं पर इस अज्ञानी जगत को भगवान की नहीं अपनी चिंता है, इसीलिए तो कहता है भले ही भगवान ना कर सके पर मैं तो कर सकता हूं ना। इस प्रकार से अभी ये प्रकरण समाप्त हुआ। तो दो मुख्य रूप से दो हेतु दिए गए, प्रश्न तो ये किया गया था कि कोई बात नहीं भगवान तो नहीं कर सकते लेकिन हम तो कर लेंगे, और अगर हम अब आप में करने नहीं दोगे तो फिर तो हम आदीन हो गए। तो पहली बात ये कही गई, भाई साहब वास्तव में तो देखा जाए ज्ञान के मात्र जान लेने से वस्तु पराधीन नहीं होती, पहला पॉइंट। पराधीन तो वस्तु तब होती है जब हम उसे अपनी कषायों के अनुसार, जब हम उसे अपने विकल्पों के अनुसार, जब हम उसे अपनी मन मर्जी के अनुसार परिणमन कराना चाहें। पराधीन तो वस्तु तब होती है, जान लेने मात्र से वस्तु पराधीन नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरी बात, कितना हास्यास्पद होगा ये बात कहना कि भगवान तो नहीं कर सकते लेकिन हम तो कर सकते हैं। तो प्रश्न किया गया, क्या तू अपने को भगवान से भी बड़ा मानता है? क्या तू भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है? भगवान अनंत वीर्य के धनी होते हैं, जो काम अनंत वीर्य के धनी होकर नहीं कर सकते वो तुम कैसे कर सकते हो? फिर आगे ये प्रश्न किया, नहीं साहब भगवान वीतरागी होते हैं और हम रागी होते हैं तो आप हमारी तुलना उनसे क्यों कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि अभी जब हमने तुम्हें कार्तिक की अनुप्रेक्षाएं की गाथाएं समझाई थी उसमें इंदोवा तह जिनेंदोवा शब्द आया था कि इंद्र भी नहीं टाल सकते और जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते। शायद तुम आगे आगे का पाठ पढ़ते जा रहे हो पीछे पीछे भूलते जा रहे हो, इसलिए तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान नहीं कर सकते अर्थात वीतरागी नहीं कर सकते, और इंद्र नहीं कर सकता अर्थात कोई भी रागी व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये प्रकरण था, आगे बहुत हल्का सा एक प्रकरण था, आगे बढ़ते हैं अपन। क्रमबद्ध पर्याय के पोषक उक्त कथन का उद्देश्य ही पर कर्तृत्व का निषेध है, ये मूल उद्देश्य बता दिया।
क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाने का, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने का, क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान करने का तात्पर्य ही यह है कि हमारे जीवन से कर्तापन निकल जाना चाहिए। ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है, यह मान्यता ही जैन दर्शन की मूल आधार है, रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी जैसे मूल होती है ना हमारे में, इस ऐसे ही जैन दर्शन की और जैन शास्त्रों की मान्यता ही यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है, परिणमन उसका धर्म है, अपने परिणमन में उसे पर द्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। मतलब यहां ये कह रहे हैं हर प्रत्येक द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन करना उसका कार्य है, तो वस्तु व्यवस्था में ही हर द्रव्य में उसको अपना अपना कार्य करने की शक्ति मिली है। मैं एक द्रव्य हूं, शरीर एक द्रव्य है, इस विश्व में जितने भी द्रव्य हैं सारे भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, तो उन सभी द्रव्यों का कार्य क्या है? परिणमन करना, बदलना, चेंजेस होना। वो परिणमन कितने ड्यूरेशन में होता है? हर एक समय में, मतलब प्रत्येक समय में वो परिणमन हो रहा है। तो वो प्रत्येक समय में जो परिणमन हो रहा है, तो द्रव्य में स्वयं ही ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वो अपने परिणमन का करता है। तुम्हें किसी ने भी ऐसा भार नहीं दिया, यहां अब ये कहने वाले हैं, आपको किसी ने भी कोई भी काम नहीं दिया गया है कि दूसरे द्रव्य का कार्य करने के लिए। देखिए, नित्यता की भांति परिणमन भी उसका सहज स्वभाव है, क्योंकि वस्तु में नित्यता के साथ साथ अनित्य नाम का धर्म भी है, अर्थात पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है, उसमें तुझे कुछ भी नहीं करना है, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करना है। साहब हम सोचे भी नहीं, हम विकल्प भी नहीं करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सोचने से ही काम होता है? आपको याद है मैंने एक बार कहा था, जरा विचार करो हम सोचते क्या है और होता क्या है, और यह भी विचार करो कि हमने जब जब सोचा है क्या उस प्रकार से वस्तु का परिणमन वैसे ही हुआ है? जब वैसा नहीं हुआ तो तुम्हारे सोचने का क्या ठिकाना रहा? फिर तुम्हारी प्लानिंग का क्या ठिकाना रहा कि साहब प्लानिंग से करेंगे, सोच पूर्वक करेंगे, विकल्पों से करेंगे? अगर विकल्पों से ही कार्य होता है तो तर्क सुनो, अगर विकल्पों से ही कार्य होता है तो भाई साहब असंगी जीवों का परिणमन कैसे होगा? अगर विकल्पों से ही कार्य होता है, अगर सोच सोच के ही कार्य होता है तो असंगी जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय असंगी पर्यंत उनका परिणमन कैसे होगा? वे तो नहीं सोचते, उनको तो मन में विकल्प नहीं होते, तो बताओ उनका परिणमन होता है कि नहीं होता है? आपका क्या उत्तर है कि उनका परिणमन होता है कि नहीं होता है? होता है। जब बिना सोचे उनका परिणमन हो सकता है तो तू सोच सोच के अपने मन को कूड़ा क्यों कर रहा है? पहला पॉइंट। दूसरा, जीव द्रव्य के अलावा भी पांच द्रव्य और हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बताओ इनका परिणमन होता है कि नहीं होता है? इनका परिणमन होता है, तो क्या ये सोच सोच के करते हैं? ये तर्क है। देखिए, अथवा पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है, उसमें तुझे कुछ भी नहीं करना, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करो। मूल क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने का फायदा क्या है? आपके मन से टेंशन निकल जाती है ना। क्रमबद्ध पर्याय को समझने वाला, क्रमबद्ध पर्याय को जानने वाला, क्रमबद्ध पर्याय पे श्रद्धान करने वाले के डिप्रेशन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, चिंता नहीं होती, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा ऐसा होना है। क्रमबद्ध पर्याय आपको रिलीफ देता है, मतलब एक तरीके से क्रमबद्ध पर्याय एक आर्ट ऑफ लिविंग है। इसको जानने से, इसको समझने से हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जब हमारे को स्ट्रेस हो जाता है बहुत 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 सारी चीज़ों को करने का, तो तब हमें क्रमबद्ध पर्याय से ही, आपको देखो मैं आपको एक छोटा सा कहूं, आपको पता है क्रमबद्ध पर्याय के बिना, आगे ऐसा आने वाला है, क्रमबद्ध पर्याय के बिना अपन बिना स्ट्रेसफुल, मतलब स्ट्रेस के बिना रह ही नहीं सकते। क्रमबद्ध पर्याय से ही हमें रिलीफ मिलता है। कैसे? देखो, जब आपको पता है जब अपन लोगों को भी बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस हो जाता है या बहुत ज्यादा चीजों का स्ट्रेस होता है, तो हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, जो होगा तो देखा जाएगा। कहते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है? अक्सर ये निकलता है, कई वो होता है साहब वो बहुत, वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, हाँ हाँ देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, ये क्या है बोलो, निकालो हमारे शब्दों में। वास्तव में देखा जाए अंतरंग से रिलीफ भी तो हमें तभी मिलता है
जब हमें क्रमबद्ध, भले ही हम उस क्रमबद्ध पर्याय का नहीं जानते हो, उस शब्द से परिचित नहीं हो, लेकिन जब हमारे मुंह से यह निकलता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, तब भी हमारे मन में यही बात, मतलब तब भी इससे यही सिद्ध होता है कि हमें क्रमबद्ध पर्याय को समझने से, सीखने से और श्रद्धान करने से ही रिलीफ मिलता है कि साहब जो होगा सो देखा जाएगा। इसमें भी देखो एक बात है, जो होगा उसे मात्र अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका मतलब बेटा तू वस्तु के परिणमन का कर्ता हर्ता नहीं है, क्या है बोलो, क्या है, ज्ञात दृष्टा। ये अपने मुंह से बार बार निकलता है कि नहीं निकलता है, तत्व परक बातें निकल जाती हैं अपने मुंह से, लेकिन ध्यान भले ही उस ओर ना हो। जो होगा सो देखा जाएगा, इसका मतलब जो होना होगा वही होगा, भवितव्य ले लें चाहे हम इसको क्रमबद्ध पर्याय के रूप में लेंगे, और जो भी वस्तु का परिणमन होगा उसके मात्रपन क्या होंगे, ज्ञाता दृष्टा ही होंगे। तो उसमें आता है ना सांत्वनाष्टक में, अरे विकल्प अकिंचित कर ही ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। तो भाई साहब आप जीव द्रव्य हो, हमारे लिए भी ये सीख है, हम सभी जीव द्रव्य हैं। जीव द्रव्य का काम क्या है, जानना देखना। तो बेटा तुम अपनी हद में रहो, लिमिट में रहो, इसे इस पंक्ति का यही मतलब है, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, है ना। मतलब अपन इस तरीके से भी ले सकते हैं, मतलब वास्तव में देखा जाए तो जीव का स्वभाव जानने देखने रूप है, तो तुम्हारा काम जानने देखने रूप है, करने धरने रूप नहीं है। तो तुम अपने हद में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर, एक जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में रहकर मात्र वस्तु के ज्ञाता दृष्टा रहो। आपको पता है हम कई बार ऐसा कहते हैं, आप लोग जब छोटे भी होंगे, मैंने पढ़ा था, मुझे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पता, बाल पोथी पढ़ी है आप लोगों ने, चलो किसी ने पढ़ी किसी ने, बाल पोथी भी आती है ना, उसमें आता है वीर प्रभु की हम संतान, है ना, इस प्रकार से बार बार पोइम्स आती हैं, और बहुत जगह जगहों पर भी आपने ये पढ़ा होगा कि ये कहा जाता है कि हम भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, वीर प्रभु की हम संतान, ऐसे बच्चों में भी कहते हैं। और आदिनाथ भगवान की पूजन है ना, आदिनाथ भगवान की पूजन जिनेन्द्र आराधना संग्रह में, उसमें भी एक पंक्ति आती है, प्रभु नंदन में आपका हूँ प्रभुता संपन्न, है ना, प्रभु नंदन, हे भगवान मैं आपका पुत्र हूँ। तो हम अपने आप को किसका पुत्र कहलाते हैं, भगवान का पुत्र कहलाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए भगवान क्या कर रहे हैं, क्या भगवान इस विश्व के कर्ता हर्ता हैं? अभी ऊपर भी बात ये समझाई गई थी कि भगवान तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं। तो जो काम हमारे पिताजी कर रहे हैं, जिन्हें हम अपना पिता कहते हैं, है ना, धर्म पिता कहते हैं, तो जो काम हमारे पिताजी कर रहे हैं, हमारे भगवान इस विश्व के मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, तो हम कर्ता धर्ता कैसे हो जाएंगे। तो देखिए आगे, हाँ यही बात आ रही है, उसमें तुझे कुछ भी नहीं करना है, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करना है। अजीव द्रव्य पर मैं तो कुछ करते ही नहीं, अब देखो अजीव द्रव्य होगा, यहां मैंने आपको जीव द्रव्य का भी उदाहरण दे दिया, अगर विकल्पों से ही काम हो, चिंता करने से काम हो, सोच सोच के काम हो, तो असंगी जीवों का परिणमन रुक जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। अजीव द्रव्य पर मैं तो कुछ करते ही नहीं, अब देखो हमारे साथ पता है दिक्कत क्या है, हम जीवों के साथ ये है कि हम अपने परिणमन का भार लिए ढो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये किसी हद तक समझ में भी आता है कि हमें अपने परिणमन की चिंता है, लेकिन हमें दूसरों के परिणमन की सबसे ज्यादा चिंता है। आज हम देखा जाए तो व्यक्ति अपने को सुधारने को कम, दूसरे को सुधारने के प्रति ज्यादा, सब क्लास इनको ऐसा करना चाहिए, इनके अंदर ये कमी है, अगर ये ऐसा सुधार लें तो बहुत बढ़िया हो जाए, मतलब दूसरे के परिणमन की कर्ता हम सबसे पहले बन जाते हैं। यहां कहा जा रहा है कि अजीव द्रव्य जो है वे ना तो पर का परिणमन करते हैं, ना पर के परिणमन का विकल्प उत्पन्न होता है, और ना ही वे अपने परिणमन के उत्पन्न करने में ही विकल्प करते हैं, लेकिन फिर भी उनका परिणमन अपने आप से होता है। देखिए अजीव द्रव्य, इसको आप चाहें तो हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, अजीव द्रव्य पर मैं तो कुछ करते ही नहीं, अपनी पर्यायों को करने की भी चिंता नहीं करते, तो क्या उनका परिणमन अवरुद्ध हो जाता है, क्या उनका परिणमन नहीं होता, ये तर्क है। देखो अजीव द्रव्य ना अपना करते हैं, ना पर के करता है, ना पर के करने के विकल्प आते हैं, ना अपने करने के विकल्प आते हैं, फिर भी सहज रीति से उनके परिणमन होता है। देखो अभी हमारे को ये लगता होगा कि हमारी अभी ये शरीर की कर्ता हम हैं, शरीर का परिणमन मैं कर रहा हूँ। देखो मैंने अपनी बॉडी को कितना, मैं तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन जो फिट होगा वो तो कह सकता है कि देखो मैंने अपनी बॉडी को कितना मेंटेन कर रखा है,
देखो कितना मेंटेन है, मेरे मसल्स देखो, मेरे बाइसेप्स देखो, मेरे सिक्स पैक्स देखो, है ना, देखो मैंने कितना बॉडी को मेंटेन किया है। हमारे देखो ये धीरे धीरे पनप जाता है। अब आपको पता है हमारे अंदर ये कर्तृत्व कैसे पनप जाता है? अगर हम इस शरीर के कर्ता हैं तो आपको पता है इस शरीर का परिणमन तो जब ये शरीर जीव रहित हो जाता है तब भी शरीर का परिणमन होता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा विषय बताता हूँ, मैंने परसों ही उसमें देखा था, एग्जाम में, ओ सॉरी, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में हमने ये देखा था कि हमारी डेथ के बाद भी शरीर के बहुत सारे परिणमन होता है। तो देखो हम इसको ऐसे समझें कि अगर जीव ही शरीर को परिणमन कराता है तो इस जब शरीर जीव रहित हो जाता है तो शरीर का परिणमन अवरुद्ध होना हो जाना चाहिए। तो आप लोगों को भी ये पता होगा कि जैसे ये शरीर जीव रहित हो जाता है वैसे ही ये शरीर सड़ने लगता है, वैसे ही शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है। ये दुर्गंध रूप परिणमन, ये सड़ने रूप परिणमन कौन करता है? वे शरीर में विद्यमान परमाणु अपना काम करते हैं। तो मैं तो अभी तक ये मिथ्या मान्यता थी कि तू इस शरीर का, खूब सारे, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ बता देता हूँ, मौत के बाद भी हमारी जो बॉडी है वो कलर बदलती है, हमारे शरीर का जो रंग बदल जाता है ना, पेल होने लग जाती है, पीली होने लग जाती है। ये कैसे होता है? ये शरीर का परिणमन स्वयं होता है। मौत के बाद भी हमारे शरीर में से आँखें और जीभ कदाचित बाहर आ जाती हैं। ये आँखें और जीभ का बाहर आ जाना भी शरीर का परिणमन है। और तो और जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, ये कुछ अलग ही विषय आ गया लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो उस पोस्टमार्टम को करते वक्त कई बार अंतरंग में जो शरीर मर जाता है तो गैसेस बनने लग जाती हैं। उन गैसेस के कारण उस व्यक्ति के मुंह से चीख भी निकल जाती है, चीख भी निकल जाती है उस पोस्टमार्टम के वक्त। ये सब इसमें लिखा है, आप लोग चाहें तो मैं आपको बाद में, ये क्लिप है, देखिए मैंने इसको फोटो भी ले लिया था, दिख नहीं रहा, बाद में अपन कर लेंगे, आप लोग क्लास के बाद आ जाना, ठीक है। तो मौत के बाद भी कई तरीके के, आपको पता है जब मौत हो जाती है तब बहुत सारे जो ये बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो हमारी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि ऐसा ही नहीं है कि हम ही इस शरीर के परिणमन के करता हैं। आगे बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं और बहुत अच्छा एक तर्क देने वाले हैं कि अगर तुम शरीर के कर्ता हो तो तुम्हारे शरीर में जितना परिणमन हो रहा है वो तो तुमसे पूछ पूछ के हो रहा होगा। जब तुम बीमार पड़ते होगे तो शरीर तुमसे पूछ के बीमार पड़ाता होगा कि भाई साहब बताओ, परमिशन दो, है ना। जब तुम्हारा पैर मुड़ना था तो शरीर ने तुमसे पूछा होगा सीढ़ियों पर कि पैर मुड़े कि नहीं मुड़े, कि उसने तुमसे परमिशन मांगी होगी। तो जब शरीर हमारी बिना परमिशन के परिणमन करता है तो वो भी इसी बात को दर्शाता है, शरीर अपने परिणमन का करता है। उस शरीर को ना तो हमारे परिणमन करने का विकल्प आता है और ना ही अपने परिणमन करने का विकल्प आता है। बिना विकल्पों के भी परिणमन होता है, कहने की बात इतनी सी है। अजीव द्रव्य पर में तो कुछ करते ही नहीं, अपनी पर्यायों को करने की भी चिंता नहीं करते, तो क्या उनका परिणमन अवरुद्ध हो जाता है? नहीं। तो फिर जीव भी क्यों परिणमन की चिंता में व्यर्थ ही आकुल व्याकुल हो रहा है? ये मूल मुद्दे की बात है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कर्तृत्व में, अथवा वह पर्याय ही अपने परिणमन में पूर्ण समर्थ है, कैपेबल है। हे आत्मन, तुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, तू व्यर्थ ही उसकी चिंता में अपना भव बिगाड़ रहा है। व्यर्थ ही दूसरों को सुधारने में, दूसरों के परिणमन में व्यर्थ अपना भव बिगाड़ रहा है। जिस द्रव्य अथवा पर्याय के परिणमन की चिंता तू अपने सिर लिए घूम रहा है, झूम रहा है, घूम ही नहीं रहा, घूम रहा है और झूम रहा है, उसे तेरी अथवा तेरे सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, परवाह नहीं है। इसके लिए आप लोग को वो पता है, दादा एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, एक नवजात गाय के क्या बोलते हैं उसको, बछड़ा होता है जो अभी नवजात होता है, हाँ। तो जो नवजात बछड़ा उत्पन्न होता है वो अपनी माँ को कैसे फाइंड आउट करता है, वो याद है दादा का उदाहरण, चाट चाट के, है ना, वो बिल्कुल भी उसको पर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, कोई अगर सहायता भी करता है तो भी उसका विरोध करता है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि दुनिया को देखो, कई बार भी तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, अपन बेमतलब में किसी को सजेशन देने लग जाते हैं, बेमतलब में किसी को सुधार, मतलब बहुत सुधारवादी दृष्टिकोण वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें जगत में बहुत सुधार चाहिए, चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए,
इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। तुमसे किसने पूछा है कि किसको क्या करना चाहिए? सचमुच अगर मैं आप लोगों को भी ये प्रेरणा देता हूँ, अगर हमें सचमुच एकदम पीसफुल लाइफ जीनी है, शांति से जिंदगी जीनी है, तो दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए। ये किससे सीखने को मिला? ये क्रमबद्ध पर्याय से सीखने को मिला। जब जब आप दूसरों में इंटरफेयर करेंगे, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जब जब हम दूसरों में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों की रहन सहन में इंटरफेयर करते हैं, दूसरे के सोचने में इंटरफेयर करते हैं, भाई तुझे किसने कहा है कि तू दूसरे को अपनी होशियारी दिखा? तुझे किसने कहा है कि दूसरे को तू अपनी बातें बता? विश्व में क्या किसी ने तुझे ये जिम्मा सौंपा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? तू जब ये पैदा हुआ था, तब जब तुझे पैदा हुआ था, तब तुझे क्या वस्तु स्वरूप ने कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुझे जाके दुनिया को सुधारना? इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, कई बार हम लोगों का ये दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि समाज को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, महाविद्यालय को ये करना चाहिए। दूसरों को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपनी पॉकेट में रखो। वास्तव में ये देखा जाए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम अपना कर पर, मतलब हमारा आधी जिंदगी, आपको पता है स्मारक में वो विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता जो स्मारक को बदलने की सोचता रहता है, स्मारक में वही विद्यार्थी पढ़। देखो ये क्या है, क्योंकि जो वस्तु के परिणमन को बदलने की कोशिश करता रहता है वो बस बदलता रह जाता है, वो लाभ नहीं ले पाता है। जो कॉलेज को बदलने की चाहेगा वो लाभ नहीं ले पाएगा, जो टीचरों को बदलना चाहेगा वो लाभ नहीं ले पाएगा। भाई तुझे किसने कहा था कि तू वस्तु के परिणमन का कर्ता बन? तू किसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? तो देखो तू व्यर्थ ही उसकी चिंता में अपना भव बिगाड़ रहा है, दूसरों की चिंता में, समाज की चिंता में, परिवार की चिंता में। जिस द्रव्य अथवा पर्याय के परिणमन की चिंता तू अपने सिर लिए घूम रहा है और झूम रहा है, उसे तेरी अथवा तेरे सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, परवाह नहीं है। तू ही, अब देखो टोडरमल जी का उदाहरण दे दिया, तू ही बलिष्ठ बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के नीचे नीचे चलकर मैं ही गाड़ी खींच रहा हूं, इस अभिमान से ग्रसित कुत्ते की भांति आकुल व्याकुल हो रहा है। ठीक है, तो हमारी दशा सचमुच ऐसे ही हो रही है। देखो आपको पता है, जैसे मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ये कहा था कि हमें कब लगने लग जाता है कि मेरे अनुसार परिणमन हो रहा है, कब लगता है? जब दो चीजों का मेल हो जाता है। कौन सी है वे दो चीज? हमारे विकल्प और पर्यायों के प्रवाह क्रम में वैसा होना। जब पर्यायों के प्रवाह क्रम में वैसा होना होता है और हमारा विकल्प भी उसी प्रकार से होता है और दोनों मैच खा जाते हैं, तो हमें लगता है हमने किया। यही कुत्ते का उदाहरण है, कुत्ते को भी तो ऐसे ही लगता है जब कुत्ते को राइट लेना होता है, और मान लो बैलगाड़ी को भी राइट लेना होता है, तो कुत्ते को क्या लगता है? मैंने चलाया। जब जैसे ही टर्न आ जाता है कि बैलगाड़ी ने लेफ्ट लिया और कुत्ते ने राइट लिया, तो तुरंत कोई बात नहीं, अब इसी के पीछे कोई बात नहीं, फेल हो गए तो क्या हुआ, ट्राई अगेन एंड अगेन, तो कुत्ता दोबारा वापस उसी पे आ जाता है। फिर से जब उसके दोनों चीजें मैच खा जाती हैं, जब राइट जाना हो तो राइट गया, तो उसको लगता है हाँ देखो देखो हो रहा है, इट्स वर्किंग, ये हो रहा है, ये काम करता है। तो ऐसे ही हमारी दशा हो रही है, देखो है ना, आगे समझते हैं। वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है कि तू जगत की ओर से निश्चिंत रहे। देखो हम सभी लोग यहां आए तो हमें क्या किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी करने धरने की? नहीं ना। तो वस्तु स्वरूप हमें स्वयं ये, देखो बस, देखो आपको समझ में नहीं आया होगा कि वस्तु स्वरूप हमें कैसे है। देखो आपको याद है वस्तु स्वरूप हमें मतलब वस्तु स्वरूप स्वयं हमसे ये कह रहा है कि तुझे नहीं करना है। कब कहा वस्तु स्वरूप ने? वस्तु का स्वरूप, अभी जो हमने त्रिलक्षण परिणाम पद्धति समझा था ना, वो त्रिलक्षण परिणाम पद्धति वस्तु के स्वरूप से समझी थी। वस्तु स्वरूप का मतलब यह है प्रत्येक द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य में अनंतानंत गुण हैं और उन अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्याय हैं। आपको पता है 6 सामान्य गुणों में से वस्तु में स्वयं द्रव्यत्व नाम का गुण है। 6 सामान्य गुण आप लोगों ने पढ़े लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में, द्रव्यत्व नाम का गुण क्या है परिभाषा? ये तो वस्तुत्व है, जिस शक्ति के कारण, बोलो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसे बोलते हैं द्रव्यत्व गुण। इसका मतलब क्या हुआ
द्रव्य में स्वयं अपनी पर्यायों को बदलने की सामर्थ्य है, ऐसा एक गुण है। क्या नाम है उसका? द्रव्यत्व गुण। तो तुम कहां से आ गए? अब बताओ, हर द्रव्य अपनी दृष्टि से परिपूर्ण है, हर द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है, और द्रव्यत्व नाम के गुण से वो द्रव्य स्वयं अपनी पर्यायों का परिणमन का करता है, स्वयं उसमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य है कि वो अपने पर्यायों का करता धरता है। तो तू क्यों फालतू में टांग अड़ा रहा है? वो बुंदेलखंड में एक वो है ना, बुस्से में टांग क्या कुछ ऐसे कुछ होता है, फटे में टांग अड़ाना। अरे तो तू क्यों फालतू में फटे में टांग अड़ा रहा है? फटे में टांग अड़ाने का मतलब समझते हो? बुंदेलखंड में नहीं, जो भी हो ना, तो फटे में टांग अड़ाने का मतलब पता है क्या होता है? जानते हैं आप लोग फटे में टांग अड़ाना? फटे में टांग अड़ाने का मतलब ये होता है कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था है ना, तो वो कोई सामान जा रहा था है ना, बैलगाड़ी के माध्यम से, या अभी के लिए तो वो क्या बोलते, छोटा हाथी के माध्यम से उसका सामान जा रहा था। तो खूब सारी बोरियां लदी हुई थी, तो बोरियां लदी हुई थी तो बोरियों में था छेद, तो बोरी में छेद होने के कारण व्यक्ति मजा, मतलब कुछ बच्चे मजे में उसमें पैर टांग अड़ा रहे थे। तो हुआ क्या, उनने जैसे अपनी टांग अड़ाई वो गाड़ी चालू हो गई और चलते गए। तो ये हुआ फालतू में फटे में टांग अड़ाना ना। तो फटे में टांग अड़ाने का मतलब है व्यर्थ ही किसी कार्य में, व्यर्थ ही किसी के मतलब में इंटरफेयर करना। तो देखो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है कि तू जगत की ओर से निश्चिंत रह, पर कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित यह कहता है कि बेटा दुकान संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। ये 99.9% लोगों के स्थिति है। जब तक जो काम मैं करता हूं वह काम दूसरा ना करने लग जाए तब तक मैं कैसे निश्चिंत हो सकता हूं। पर मैं कहता हूं कि क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित बाप को पूरा निश्चिंत कर दे। क्योंकि हम निश्चिंत, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था ना, जो होगा सो देखा जाएगा कि माध्यम से अपन निश्चिंत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय रूपी बेटा ही हमें निश्चिंत करता है। क्रमबद्ध पर्याय ही एक ऐसी है कि जो उसे समझे, उस पर श्रद्धा करे तो निश्चिंत हो सकता है। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित व्यक्ति की समस्या ही यह है कि कोई उसका काम संभाले तो वह निश्चिंत हो। आप देख लो अधिकतर लोगों की यही हालत है। आप देखें कि साहब, आप लोगों ने कहीं, आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वे उनको अपनी दुकान से मुंह नहीं छूट रहा, वे बार बार दुकान पे आ रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। आपको पता है जब कोई भी वृद्ध पिता अपने जवान बेटे के कार्यों में इंटरफेयर करने लग जाता है या दुकानदारी में इंटरफेयर करने लग जाता है, तो बेटा भी एक बार कह देता है कि पिताजी तुम धर्म गर्म करो ना, क्यों फालतू में आप दुकान उकान लगे हो, तुम्हें जिंदगी भर दुकान दुकान, आप जाओ धर्म करो, जाओ घर जाओ, मंदिर जाओ, स्वाध्याय सुनो, जाओ जाओ स्वाध्याय में जाओ, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, आप फालतू में आप जाओ। इसका मतलब जब हम भी किसी में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, बात बात पर टोकने लग जाते हैं, बात बात पर अपनी क्या कहें, अपनी मान्यता थोपने लग जाते हैं लोगों पर, तो लोगों को भी वो इंटरफेयर गलत लगता है। क्यों लगता है? ये बात भी इसी चीज का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार प्रणमन नहीं करना चाहता। जब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुसार प्रणमन नहीं करना चाहता तो क्यों मैं फालतू में व्यर्थ दुखी हूं। यहां पर भी ये कह रहे हैं कि अगर हमें भी निश्चिंत होना है और हमें भी पीसफुल लाइफ जीनी है तो क्रमबद्ध पर्याय के बिना श्रद्धान किए हम पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। यहां पर भी यही कह रहे हैं, यह उसकी समझ में नहीं आता कि वह पर का कार्य या पर्याय का कार्य कुछ करता ही नहीं। उसको तो ये लगता है ठीक है मैं नहीं करता, मैं हट जाता हूं, लेकिन अभी तक जो मैं काम करता था वो कौन करेगा अब? आप लोग को पता है एक प्रेरणादायी, आपको भी एक बात कहता हूं, कितने लोग इस दुनिया में आए जो ये सोच सोच के उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी कि हमारे अनुसार वस्तु का परिणमन होता है, मतलब मैं अपने परिवार को चलाता हूँ कुल मिला के मैं एकदम। कितने ऐसे लोग हुए जिनको ऐसा लगता था कि दुनिया को करने वाले वे हैं, आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या दुनिया का परिणमन नहीं हो रहा है? हमें लगता है कि हमारे बिना परिवार का परिणमन नहीं हो सकता, हमें लगता है कि हमारे बिना स्मारक का परिणमन नहीं हो सकता, लेकिन कितने ही ऐसे विद्यार्थी आए और चले गए लेकिन स्मारक का परिणमन बराबर हो रहा है। कितने ही ऐसे लोग आए जो ये सोचते थे कि उनके हिसाब से दुनिया चल रही है, वे आए वे रहे और चले गए, दुनिया तो ज्यों की त्यों चल रही है। आपको पता है इस भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है जब जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री पद से हट रहे थे या जा रहे थे या मरणासन अवस्था की कुछ ऐसी अवस्था थी, है ना, तो लोगों मर गए थे, हाँ मरी गए थे, है ना, हाँ तो मर गए थे, तो लोगों को ये लग रहा था हाय अब देश का क्या होगा, अब देश को कौन चलाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे, इतने सोच इंटेलिजेंट थे, महात्मा गांधी के फेलो थे, तो अब क्या करेंगे, अब कौन देश को, लोगों को सबको मन में यही हुआ था हाय अब देश का क्या होगा, अब भारत का क्या होगा, अब भारत में कौन करने वाला होगा। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या हुआ भारत का, सोचो कितने लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि वे, देखो वे प्रधानमंत्री हैं तो उनको लग रहा है कि वे भारत को करने वाले हैं, हमें लगता है कि हम अपने परिवार को करने वाले हैं, हमें लगता है हम अपने क्लास को करने वाले हैं। कितने लोग ऐसे आते हैं जो इसी मान्यता से आते हैं कि हम करने वाले हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वस्तु का परिणाम तो ज्यों का त्यों होता रहता है। हमें लगता है कि ठीक है मैं ये सौंप तो जाऊं, भाई तू नहीं करेगा तो वस्तु अवरुद्ध हो जाएगी, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित व्यक्ति की समस्या ही यह है कि उसका कोई काम संभाले, ठीक है मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, हट जाता हूं, लेकिन मेरे कोई काम, मैं क्रमबद्ध पढ़ाई की क्लास नहीं लूंगा, ठीक है नहीं लूंगा, कोई दूसरा ले तो, दूसरा तो बता दो कौन लेगा, तब तो मैं हट जाऊंगा। भाई तुम तब भी नहीं लेते थे और तब भी नहीं लोगे, तुझे क्यों लगता है कि तू व्यर्थ के कर्तृत्व में, व्यर्थ के कर्तृत्व में। देखो आपको पता है अगर मैं आपको समझाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमें समझाने की, भाई साहब हमने तो अपनी तरफ से नहीं लिया कि आपको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है अगर हम छोटी सी मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, क्या कि मैं सभी बच्चों को समझाऊंगा, बताओ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, बाबा बन जाऊंगा मैं, है ना, पागल बन जाऊंगा सबको समझाने के चक्कर में, क्यों, क्योंकि वस्तु में तो स्वयं समझने की योग्यता होती है तब समझ में आता है, अगर मैं समझाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं तो मैं यार मैं तो, अब देखो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं यार मैं तो इतने अच्छे से समझा रहा हूं फिर ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, फिर ये लोग एबसेंट क्यों रहे हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर ये लोग क्यों नहीं आए, फिर इसको क्यों नहीं समझ में आ रही, जब इसको समझ में आ गई मैं तो इतनी मैंने दुखी दुखी दुखी, फिर भी नहीं साहब समझ में नहीं आया, और यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, किससे समझूं, क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं अगर समझाने की तो इतने दुखी हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति को समझाने की, जब एक क्लास को समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी दुखदाई है तो समाज को सुधारने की, देश को सुधारने की और विश्व को सुधारने की अपने बस की बात नहीं है। देखो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित व्यक्ति की समस्या ही यह है कि कोई उसका काम संभाले तो वह निश्चिंत हो, यह उसकी समझ में ही नहीं आता कि वह पर का या पर्याय का कुछ करता ही नहीं, अज्ञान के कारण मात्र उनकी चिंता करता है, और चिंता का कर्ता भी तब तक है जब तक अज्ञान है, और जब तक ज्ञान हो जाता है तब तक चिंताएं भी नष्ट हो जाती हैं। जैन दर्शन अकर्तावादी, ये अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन कहा है, और हमारी पहचान भी अन्य दर्शनों के बीच में जो हमारी पहचान है ना वो अकर्तावाद के रूप में ही है। आप लोग न्याय भी पढ़ते हैं तो आप लोगों को भी बराबर पता होगा जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन कहा जाता है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, अभी तो इतने ही समझाने में बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि भगवान महावीर नहीं करते हैं, वे तो इसी प्रकार से प्रचार कर रहे हैं कि भगवान महावीर करते हैं, तुम तो आओ हमारे विधान में, वे कर देंगे, तुम तो आओ हमारे उसमें, वे करेंगे, हमारी बात हो गई है, हमने बराबर अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, अभी तो यही समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, अभी तो यह भी है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता हर्ता नहीं है, ज्ञानी आत्मा तो अपने विकार का भी कर्ता नहीं होता, यह बात समय सार के कर्ता कर्म अधिकार एवं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में विस्तार से स्पष्ट की गई है। अब आगे यहाँ पर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का आगम दिया जाएगा जिसको अपन कल देखेंगे।